हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। और गाइस, मैं अभी अभी निकल चुका हूँ, कुछ काम मिला है घर से। मेरे को मुड़ी लेने जाना है और अंडा का जो ट्रेन ही आता है वो भी लेना है। पैदल निकला हूँ यार, पास में ही है। अब जाना है मेरे को अंडा लेने, अंडा का पूरा ट्रे खरीदना है। आज गाइस, मैं Redmi Note 4 से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और पता नहीं कैसा आ रहा होगा, लेकिन मेरा जो फ़ोन है Redmi Note 5 Pro वो है डॉक्टर के पास। जी हाँ, उसका पावर बटन ख़राब हो गया था ना, वो ठीक करने के लिए पापा ले के गए। तो गाइस, मैं घर आ गया और मैं Redmi Note 4 से वीडियो बना रहा हूँ। तो बात ये है कि गाइस, ये बहुत ज्यादा सेक कर रहा है वीडियो। मैं ऐसा नॉर्मली इसका आदत नहीं है, क्योंकि Redmi Note 5 Pro है उसमें इतना हिलता नहीं, अगर हिलता भी है तो वो अपने आप स्टेबलाइज हो जाता है, लेकिन Note 4 में ऐसा हो नहीं रहा। तो थोड़ा दिक्कत हो रहा है। मैं एडिटिंग में बैठा था अभी ये वीडियो क्लिप लेके, लेकिन उसमें पूरा जितना भी वीडियो वगैरह है सब पूरा सेक हो रहा, तो मैं थोड़ा स्लो कर दिया हूँ। आपने जितना भी आगे वीडियो देखा वो सब Note 4 से है। अब मैं वीडियो सीधा जब मेरा फोन ठीक होके आ जाएगा उसी में करूंगा। इसमें मेरा हो नहीं रहा, कुछ अच्छा सा बन नहीं रहा है, एडिट करने समय दिक्कत आएगा, इसलिए मैं इसमें और ज्यादा नहीं करूंगा। ऐसे नॉर्मली ऐसे बात करने के लिए फोन का जो कैमरा वो सही है, लेकिन आउटडोर में अगर मैं वीडियो शूट करूँ इस फोन से, तो उसके लिए फोन बनानी है, मतलब है, लेकिन आपको गिम्बल वगैरह लेना पड़ेगा, ये है, तो थोड़ा दिक्कत है। कुछ लोग हैं जो Note 4 से अभी भी वीडियो बनाते हैं, ये करते हैं, इसलिए मैं सोचा एक बार ट्राई करके देखता हूँ। सोचो मेरे पास अगर मेरा वाला फोन नहीं रहता तो इसी में मैं वीडियो बनाता, तो मैं देख रहा था कैसा होता है, लेकिन अच्छा खासा बन रहा, क्वालिटी अच्छा है, लेकिन बस थोड़ा सेक हो रहा है वीडियो, थोड़ा सेक ऐसे हिलते रह रहा है, बाकी सब कुछ ठीक है। और गाइस, ये Redmi Note 4 का फ्रंट कैमरा कुछ ऐसा देखने को मिलता है, ठीक ठाक है भाई, पुराना हो सकता है लेकिन कैमरा क्वालिटी भाई खतरनाक है। तो गाइस, ये है Redmi Note 5 Pro का फ्रंट कैमरा, कुछ ऐसा देखने को मिलता है और क्वालिटी भाई सही है, मस्त दिखने को मिल रहा है। और इसका बैक कैमरा का अगर बात करूँ तो गाइस कुछ ऐसा देखने को मिलता है। इसको छोड़ो, ये एक कल रात से ऐसे ही है, सुबह 1% था अभी 13% दिखा रहा, मतलब 2-3 दिन और लगेगा रीसेट होने में। फ्रंट कैमरा गाइस, बात यह है कि गाइस मेरे चैनल पे जितने भी वीडियो है, ब्लॉग वगैरह, मैक्सिमम ब्लॉग इस फोन से रिकॉर्ड किया हुआ है और मेरे को ज़्यादा अच्छा लगता है ये, क्योंकि इसमें मेरा हाथ बैठ चुका है, इसीलिए मेरे को ज़्यादा अच्छा लगता है। जब भी वीडियो बनाता हूँ हिलता भी नहीं है, सेक भी नहीं करता। अभी बाहर चलते हैं, जिम जाना है तो जिम चलते हैं, और रास्ते में ऐसे ही एक दो वीडियो लेना ही पड़ेगा। Thank you.
गाइस जिम बस पहुंचने वाले, वर्कआउट के बाद सीधा आपसे मिलेंगे। वर्कआउट खत्म, अब चलते हैं घर की तरफ। तो गाइस घर आ गया, और गाइस नोट 4 का जो प्राइमरी कैमरा है वो गाइस 13 मेगापिक्सल का है, और नोट 5 प्रो का है 12+5 मेगापिक्सल का कैमरा। तो नोट 4 में 13 मेगापिक्सल, बस उसमें स्टेबलाइजेशन नहीं है। गाइज मैं अभी एडिट करते करते एक चीज रियलाइज किया भाई, मैं रेडमी नोट 5 प्रो का जो कैमरा है गाइज, वो उसका जो कैमरा है उसमें थोड़ा सा मतलब सेक वगैरह नहीं होता था, ठीक है। लेकिन ये पुराना फोन हो चुका है, और ऊपर से मैं इसको 2 से 3 बार इसको खुला के ठीक भी करवाया, अंदर से थोड़ा अंतरिया हिल गया इसका, तो कैमरा भी हिलने लगा है, समझ रहे हो। मैं एकदम बिंदास हूँ भाई कि कैमरा हिलेगा नहीं, मस्त एकदम स्मूथ चलेगा पहले जैसा, लेकिन अभी ऐसा नहीं चल रहा है, थोड़ा सा भी हिलने से वो शो हो रहा है कैमरा में, पुराना हो गया है। और ऊपर से अगर मैं फोन को नहीं ठीक करवाता तो शायद कैमरा अच्छा रहता मेरा। सब कुछ ठीक हो गया लेकिन कैमरा खराब दिख रहा है, अब क्या करें। फिलहाल छोड़ो, जो है सो है। अब फिलहाल गाइस आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।